गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत ग्रामर में संख्यावाची शब्द। जो हमारी गिनती एक दो तीन होती है, एक दो तीन चार पांच, इन गिनती को हम संस्कृत में लिखते कैसे है ये हम आपको बताएंगे आज। संस्कृत में लिखती होते आपको बताइए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। तो गिनती में एक से लेकर जो चार तक संख्या होती है उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, गिनती एक से चार तक, एक दो तीन चार, इसके लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। पांच से ऊपर जितनी भी गिनती होती है उन सबके लिए एक ही वर्ड का यूज होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे वो नपुंसक लिंग हो। तो एक से चार तक जो गिनती होती है उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। अगर पुल्लिंग में एक आता है तो उसके लिए एक है होता है, स्त्रीलिंग में एक आया जैसे कि एक बालिका तो लिखेंगे एका बालिका, और नपुंसक लिंग में अगर एक आया जैसे कि एक चित्र तो लिखेंगे एकम। तो पुल्लिंग में एक ही जाता है एक है, स्त्रीलिंग में एक ही जाता है एका, और नपुंसक लिंग में एक ही जाता है एकम। उसी प्रकार पुल्लिंग में दो के जाता है द्वे द्वो, पुल्लिंग में दो के लाता है द्वो, स्त्रीलिंग में दो के लाता है द्वे, नपुंसक में आता है द्वे। पुल्लिंग में तीन की जाता है त्रय, स्त्रीलिंग में आता है तिस्र, नपुंसक लिंग में आता है त्रिणी। तो त्रय तिस्र त्रिणी। पुल्लिंग में चार करते हैं चतवार, स्त्रीलिंग में चार करते हैं चतरस, और नपुंसक लिंग में कहते हैं चार को चतवारी। इस प्रकार एक से लेकर चार तक वर्ड अलग अलग यूज होते हैं। जैसे पुल्लिंग में एक बालक बोले तो बालक पुल्लिंग है, तो एक है बालक है। अगर बोलती एक बालिका तो बालिका स्त्रीलिंग है, तो एका बालिका। अगर मैं कहती एक फल तो फल नपुंसक लिंग है, तो एकम फलम। उसी प्रकार दो बालक तो दो बालको, दो बालिका स्त्रीलिंग है तो दो बालिके, और दो पुस्तक तो द्वे पुस्तके। तीन बालक तो त्रय बालका, तीन बालिका तो तिस्र बालिका, और तीन पुस्तक त्रिणी पुस्तकालय। चार बालक चतवार बालक है, चार बालिका चतरस्थ बालिका, और चार पुस्तक चतवारी पुस्तकालय। ठीक है ना, एक से लेकर चार तक तो लिंग के हिसाब से अलग अलग शब्द बनते, लेकिन पांच और पांच से ऊपर जितनी संख्या होती है उसके लिए समान शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसक लिंग हो। अगर मैं कहूंगी पांच बालक तो वही पंच बालिका आएगा, अगर मैं कहूंगी पांच बालिका तो वही पंच बालिका आएगा, और अगर कहूंगी पांच पुस्तक तो वही पंच पुस्तकालय आएगा। ठीक है ना, तो पांच को कहते हैं संस्कृत में पंच, छह को कहते हैं षट, सात को कहते हैं सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, और दस को दस। हमारी एक से दस तक गिनती इस प्रकार बनेगी, एक एका एकम एक, दो द्वे द्वे दो, त्रय तिस्र त्रिणी तीन, चतवार चतरस चतवारी चार, पंच पांच, षट छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दस दस, ग्यारह एकादश, ग्यारह एकादश, बारह द्वादश, बारह द्वादश, तेरह को त्रयोदश, चौदह को चतुर्दश, पंद्रह को पंचदश, सोलह को षोडश, सत्रह को सप्तदश, अठारह को अष्टादश, अष्टदश नौ को नवदश, और उन्नीस को नवदश, और एक और निशंती भी कहते हैं उन्नीस को एक और निशंती, और बीस को विसंती विसंती। ठीक है, ये तुम्हारी बीस तक गिनती हो गई। ग्यारह को एकादश, द्वादश बारह, त्रयोदश तेरह, चतुर्दश चौदह, पंचदश पंद्रह, षोडश सोलह, सप्तदश सत्रह, अष्टदश अठारह, नवदश उन्नीस, एकोनीस की उन्नीस, दोनों कहते हैं उन्नीस को, आप एकोनीस भी कह सकते हो और नवदश भी कह सकते हो, और विसंती ये आपका बीस। अब इसके ऊपर जो संख्या है हम सौ तक हमें गिनती आनी चाहिए, तो तीस को कहते हैं तिरसठ, क्या कहते हैं तीस को तिरसठ, चालीस को चौवालीस, पचास को पंचासठ, साठ को षष्ठी,
सत्तर को सप्तति, अस्सी को अशीति, नब्बे को नवति और सौ को शतम। ये हमारी सौ तक गिनती हो गई। अब बीच की बची का हमारी 21 से लेकर 99 तक जो गिनती है, तो इसी गिनती से हम सौ तक गिनती बना सकते हैं। जो हमने वर्ड लिखे ना, इसी से हम सौ तक गिनती बनाएंगे। एक से लेकर 20 तक का हमारी हो गई 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है। अब लेकिन अगर हमें लिखना हो 25, अब 25 को हम संस्कृत में लिखेंगे कैसे? हमें 100 तक गिनती आनी चाहिए ना, लेकिन ये हमने 20 तक ही लिखी है। अब इन्हीं गिनती से, इन्हीं वर्ड से हमें 100 तक गिनती बनानी है। कैसे बनाएंगे? मैंने जैसे लिखा 25 लिखा है, आपको 25 को संस्कृत में लिखोगे जैसे, तो जो भी आपकी संख्या आएगी उसको आपको दो भागों में बांटना है। मैंने इसे बांटा 20 प्लस 5, केवल दो भागों बांटना है। 100 तक गिनती केवल दो भागों में बटेगी, 20 प्लस 5। ठीक है, 25 हो गए हमारे। अब छोटी गिनती कौन सी सोच रहे हैं, कौन सी? इसमें 5। 20 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या कैसे? 5। तो संख्या छोटी है उसे हम पहले लिखेंगे, संख्या छोटी संख्या लिखनी है पहले लिखेंगे। तो 5 को लिखते हैं 5। एक हमने 5 को पंच लिखा था, 5 को पंच। ठीक है। अब 20 को क्या लिखना पड़ा मैंने यहां पर? विसंति बन गया हमारा 25। अगर मैं लिखती 37, अब आपको संस्कृत में लिखिए इसे, तो वही हम इसे दो टुकड़े करेंगे, 30 प्लस 7। समझा रहे ना, हमने 37 के दो टुकड़े किए, 30 प्लस 7। अब छोटी सी कौन सी इसमें? 7, 7 के लिए सप्त, एक तो 7 के लिए सप्त, और 30 के लिए क्या लिखा बेटा मैं? 63। ये बन गए भाई 37। अगर हम लिखती 42, क्या लिखा मैंने यहां पर? 42। और 42 को संस्कृत में लिखिए तो इसके हम दो भाग करेंगे, 40 प्लस 2। एक दहाई में करना है, एक इकाई में करना है, दो हिस्से करने, गिनती के दो भाग करने, एक दहाई में एक इकाई में। 40 प्लस 2। अब दो के लिए आते हैं द्वा, और 40 के लिए क्या लिखा बेटा मैंने यहां पर? 44। जैसे मैं लिखती 91 लिख दिया मैंने, इसकी टोटल करो 90 प्लस 1। अब सोचना क्या पहले 1 और 90 के लिए क्या लिखा मैंने? 90। तो इस प्रकार हम 100 तक गिनती संस्कृत में लिख सकते हैं। केवल हमें याद करना है 1 से लेकर 10 तक गिनती आपको याद होनी चाहिए। 11 से 20 क्या लिखवाई थी मैंने? 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद 30, 63, 44, 65, 67, 89, 100। ये हमारी 100 तक गिनती हो गई। इन्हीं तीनों से हम 100 तक गिनती लिख सकते हैं। जो भी गिनती आएगी उसको आपको दो भागों में बांटना है, एक दहाई में एक इकाई में। और फिर छोटी संख्या जो है उसको पहले लिखनी है और बड़ी संख्या को बाद में लिखनी है। छोटी संख्या पहले लोगे और बड़ी संख्या बाद में लोगे। तो आप लोग पहले ये गिनती लिख लीजिए, ऊपर डालिए संख्या बाकी शब्द और इसे पूरा लिख लीजिए भी कॉप में। तो आपके आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, संख्यावाची शब्द। इसे आपको पेयर बुक में करना है और घर में आपको प्रैक्टिस करनी है 100 तक गिनती लिखने की। तो आप इसी तरह से 100 तक गिनती लिखोगे। आज के इतना ही काफी है। थैंक यू।